क्या कुछ आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पहली बार ये ट्राइबल ट्रेड फेयर लग रहा है, क्या कुछ इस बार रहेगा? बेसिकली इस बार जो ट्राइबल ट्रेड फेयर है, ट्रेड फेयर के ऊपर ही हम लोग ने कॉन्सेंट्रेट किया है। और इस बार जो है हमका एग्रो प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हम लोग टारगेट इसी चीज़ को किए हैं ताकि इस चीज़ पे जो है जो ग्रामीण है हमारे जो ट्राइब्स उनको एक उचित मूल्य मिल पाए, उसका उनको एक मार्केट मिल पाए। केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो योजनाएँ हैं उन योजनाओं से भी हम लोग इनको कहीं ना कहीं जोड़ना चाह रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हमारा एक टारगेट था कि स्टेट फेयर पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी PSU के जो विभाग हैं वो विभाग भी पार्टिसिपेट करें, जैसे MSME हो गया, CDB हो गया, NABARD हो गया, उनकी तरफ से भी एक शुभ संकेत को मिला है कि हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे आपके प्रोग्राम में। और इस 3 दिन के प्रोग्राम में हम भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक वर्कशॉप मिले, कितने भी लोग यहाँ पार्टिसिपेट करें। और उनको जो है जो अनऑर्गेनाइज, कोशिश हमारी यही रहेगी कि उनको ऑर्गेनाइज करके किसी न किसी तरीके से एक मेन स्ट्रीम में ला करके उन सभी को एक जगह इकट्ठा करना, ताकि उन योजनाओं से कहीं ना कहीं उनको जोड़ना है ताकि इनका लाभ बढ़े। अगर इनको अगर हम लोग इस 3 दिन में अगर 10 से 20% लोगों को भी अगर इन योजनाओं में जोड़ देते तो मेरे को लगता है कि शायद अगले साल ये 10 से 20 जो हैं ये और 10 से 20 लोगों को कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ते चले। क्या कुछ खास रहेगा इसके अंदर? खास तो जो ये स्टॉल है वो भी खास है। कितना स्टॉल लगेगा? क्या स्टॉल है? 100 स्टॉल है। 100 स्टॉल कहाँ होगा? जस्ट आपका लोयला ग्राउंड में ही होगा। अच्छा, ये पहली बार हो रहा है या फिर इससे पहले हो चुका है? नहीं, इससे पहले जो है वो देखिए हमारा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, साइंस सेल्फ सपोर्टिंग इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। और हम लोग अपने इस बैनर पे जो है ट्राइबल हब इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम दिया। और ट्राइबल हब कॉन्सेप्ट देने का पीछे का मकसद ये था कि कहीं ना कहीं इसमें एक ट्राइबल लोगों का एक महाजुटान हम लोग कर सकें। तो इसके लिए हम लोग रूरल और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट मैक्सिमम स्टॉल जो है इस पे आएगी। दूसरा हो गया जो झारखंड का क्राफ्ट, ठीक है, इस क्राफ्ट को भी लेकर के यहाँ पे स्टॉल लगेंगे। अच्छा, कौन करा रहा है ट्राइबल जो ट्रेड है उसको कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? ऑर्गेनाइज हमारी संस्था करा रही है। संस्था का नाम? श्री साई सेल्फ सपोर्टिंग इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो स्टॉल लगा रहे हैं वो कौन है? जो स्टॉल लगा रहे हैं 100 स्टॉल जो बहुत अच्छा है वो कौन लोग हैं? जो 100 स्टॉल लगा रहे हैं ये उस ऑर्गेनाइज मतलब झारखंड से या बाहर? झारखंड के लोग हैं हमारे, विभिन्न क्षेत्रों से। ठीक है, किस किस चीज़ का स्टॉल रहेगा विशेष कर अगर देखा जाए तो? इसमें कुछ स्टॉल जो है वो हमारे ट्रेडिशनल फूड पे होगा, ट्रेडिशनल आपका जो प्रोडक्ट है जैसे आपका मड़वा हो गया, राइस हो गए, ठीक है, और जो फिर उसके बाद आपका इमली हो गया, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे आ रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को ही कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम में टारगेट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं हम लोग बार बार कि जो आदिवासी होते हैं, मूलवासी होते हैं, खासकर आदिवासियों की अगर बात करें, मूलवासियों छोड़ दें, तो ये जो है व्यापारी नहीं बन पाए अब तक, झारखंड व्यापार जगत में जो है पहचान नहीं बना पाए। क्या लग रहा है कि आदिवासियों को इस ट्रेड फेयर के माध्यम से एक व्यापार का मंच मिलेगा और एक पहचान बनेगी? बिल्कुल, पूरा मंच इनको मिलेगा, क्योंकि इस 3 दिन पे जो हम लोग वर्कशॉप करा रहे हैं वो सिर्फ वर्कशॉप तक जो है सीमित नहीं रहता, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार जो है हम लोग भी कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के PSU जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ताकि उनका जो भी प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट का एक अच्छा दाम मिल सके, ठीक है। और इसके साथ में हम लोग चाह रहे हैं अगर इस प्रोग्राम में अगर हम लोग को 20 भी ऐसे स्टॉल हम लोग को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं एक अच्छा व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं से ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ हम लोग उनको आगे बढ़ाएंगे। इसमें भी हम लोग जो हमारी परंपरा है या जो बेसिकली हम लोग हमारे यहाँ जो ट्रेंड है, चाहे वो उसका हो या इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे आपका मड़वा से बना हुआ मिठाई हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ परोसे प्रोग्राम में। हम अनुप मिंज है और श्री साई सेल्फ सपोर्टिंग इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव सोसाइटी का वर्तमान में इसका सचिव हूँ।